तो कॉन्जरिंग की दो मेन मूवीज़ आ चुकी हैं और कई सारी स्पिन ऑफ मूवीज़ भी आ चुकी हैं, और इसके कारण कॉन्जरिंग का यूनिवर्स काफ़ी बड़ा यूनिवर्स बन जाता है और इससे लोगों की उम्मीदें काफ़ी तरीके से जुड़ जाती हैं। तो इस सीरीज़ में हम देखते हैं रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के रियल केसेस, और आप सिंपली कह सकते हैं कि ये सीरीज़ ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और शायद इसी वजह से इनकी मूवीज़ इतनी ज़्यादा फेमस रहती हैं। तो कॉन्जरिंग की ऑफिशियल थर्ड मूवी आने वाली है जिसका काफ़ी कुछ कंफर्म कर दिया गया है, जैसे कि रिलीज डेट और कुछ कास्ट। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्जरिंग 3 की बात करेंगे, जहां पे जितनी भी डिटेल्स अभी तक हमको पता है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अगर कॉन्जरिंग 3 के बनने की बात की जाए या फिर सिंपली कहूँ प्रोडक्शन की बात की जाए, तो इसका प्रोडक्शन अगस्त 2019 को ही ख़त्म कर दिया गया था। जी हाँ, ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद केवल CGI वर्क बचा था, और उसके बाद 11 सितंबर 2020 को इसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई थी। लेकिन अब लगता है कि इसकी रिलीज डेट चेंज होने वाली है, क्योंकि खबर आ रही है कि इसके रीशूट्स हो रहे हैं और वो भी एक महीने के रीशूट्स, जिसके कारण हो सकता है कि ये हमें अर्ली ऑफ द 2021 में देखने को मिले, ना कि 2020 सितंबर में। तो अगर ट्रेलर की बात की जाए, तो जैसे कि मूवी ही लेट हो रही है तो ट्रेलर तो लेट आएगा ही, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द 2020 में आपको ट्रेलर देखने को मिल जाए इसका। तो अगर कास्ट की बात की जाए, तो पुरानी जितनी भी कास्ट हैं वो वापस रिटर्न आने वाली हैं, और एक नई कास्ट भी जोड़ी गई है जो कि हैं बोनी अरन्स। अब हो सकता है कि इन्हें डेविल का रोल दिया गया हो और डेविल का नेम रिलीज़ ना करना हो, इसकी वजह से उनका रियल नेम ही रखा गया है फ़िलहाल तो कास्ट में, या फिर कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर विक्टिम भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल जज नहीं कर सकते। तो जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता हमें पता नहीं है कि ये किसका रोल करेंगी। तो अब कुछ सीरियस बात की जाए, तो कॉन्जरिंग की यूनिवर्स की मूवीज़ इस समय कुछ खास बिजनेस कर नहीं रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंट की कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी कर्स ऑफ लारोना और एनाबेल कम्स होम की कमाई उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है जितनी ज़्यादा एस्टिमेटेड की गई थी। और बात की जाए मूवी की, तो मूवी भी उतनी डरावनी नहीं थी जितनी ज़्यादा होती हैं कॉन्जरिंग की। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे कॉन्जरिंग की फ़ैन फॉलोइंग कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉन्जरिंग की फिल्में देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और मुझे लगता है कि उन्हें भी ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि उन्होंने रिलीज़ डेट से 4 महीने पहले रीशूट करवाने शुरू कर दिए हैं, जो कि 1 महीने के रीशूट्स होंगे। और क्योंकि उनके पास 1 साल था पूरा, अगस्त 2019 में ये पूरी मूवी प्रोडक्शन ख़त्म हो गया था इस मूवी का, तो उनके पास काफ़ी टाइम था, लेकिन उन्होंने फिर भी रीशूट्स करवाए हैं और लेट ही करवाए हैं, लेकिन फिर भी करवाए हैं। भले ही इस मूवी के रीशूट्स लेट हो रहे हों, लेकिन हो तो रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसकी स्टोरी या फिर कुछ चीज़ें जो कि गड़बड़ होंगी उन्हें ठीक करा जा रहा होगा। तो हो सकता है कि ये फिर से कुछ अच्छा सा लेके आए हमारे सामने। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्जरिंग 3 के प्लॉट की। तो जब कॉन्जरिंग 3 का ऑफिशियल टाइटल रिलीज़ किया गया था, कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट, तभी लोगों को समझ में आ गया था कि हमें मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो प्लॉट में है डर और मर्डर की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जो कि रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन के लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। ये एड और लॉरेन के सबसे डरावने केसेस में से एक है, लिटरली दिल दहला देने वाले केसेस। केस की शुरुआत होती है एक यंग लड़के की आत्मा के लिए लड़ाई को लेकर, और फिर ऐसा मोड़ लेती है जो कि एड और लॉरेन ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और ये पहली बार हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें किसी खूनी ने मर्डर के लिए डिमोनिक पोजेशन का दावा किया था और फिर उसका केस एड और लॉरेन वॉरेन को दिया गया था। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट का नाम द डेविल मेड मी डू इट क्यों रखा गया। तो फिलहाल तो मुझे प्लॉट की इतनी ही जानकारी पता है, और अगर आगे पता चलेगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।